प्रभाव में आकर पिछले महीने भारत के सीमा विवाद को लेकर नेपाल ने इतना कड़ा रुख अपना लिया था कि अपने देश का नया नक्शा जारी कर डाला। प्रधानमंत्री ओली ने इस दौरान अपनी पार्टी में अपने खिलाफ खड़े लोगों और विपक्षी दलों दोनों को अपने साथ मिला लिया और इस नक्शे को पारित कराने के लिए एकजुटता दिखने लगी। दिलचस्प बात यह है कि एक महीने पहले तक यही विरोधी खेमा ओली के इस्तीफे की मांग कर रहा था। राजनीतिक जानकार इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि ओली ने भारत के साथ नक्शे का मुद्दा इतनी आक्रामकता से इसलिए उठाया था ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सकें। अब जानकारों का मानना है कि इस पूरे विवाद की वजह से पीएम केपी शर्मा ओली की कुर्सी बच गई है, जिनसे पहले इस्तीफा मांगा जा रहा था। कोली को भारत विरोधी और चीन का समर्थक माना जाता है और हाल ही में उनकी सरकार भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर विपक्षियों के निशाने पर है। क्या भारत विरोधी नक्शे ने बचाई कुर्सी? नेपाल की न्यूज साइट काठमांडू पोस्ट के मुताबिक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में पुष्प कमल दहल और सीनियर लीडर माधव कुमार नेपाल के खेमे से ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही थी, लेकिन अब यहां सन्नाटा छाया हुआ है। माधव के साथ के मुताबिक देश में हालात गंभीर हैं और ऐसे में पीएम का इस्तीफा मांगना अनैतिक होगा। हालांकि विरोधी खेमे का कहना साफ है कि इस मांग को खत्म नहीं किया गया है, बजट और नए नक्शे के पारित होने तक के लिए रोक दिया गया है। पोस्ट ने पार्टी के अंदर कई लोगों के हवाले से दावा किया है कि भारत के साथ सीमा विवाद ने ओली को बचा लिया है। ओली के साथ क्यों आई विपक्षी पार्टियां? जब देश की संसद में संशोधित नक्शा पारित कराने की बात आई तो सभी दलों के लिए एक साथ आने को छोड़कर कोई और विकल्प ही नहीं बचा था। नक्शे का मुद्दा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का था। ऐसे में पीएम के इस्तीफे की मांग करने वाला कोई भी शख्स देश विरोधी हो जाता है। हालांकि पार्टी के अंदर के सूत्रों का दावा है कि ओली ने भले ही फिलहाल सबको चुप करा दिया हो, लेकिन आगे जाकर उन्हें कमजोर आधार का नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारत नेपाल के बीच क्या है विवाद? भारत के लिपुलेख में मानसरोवर लिंक बनाने को लेकर नेपाल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उसका दावा है कि लिपुलेख कालापानी और लिंपिया धुरा उसके क्षेत्र में आते हैं। नेपाल ने इसके जवाब में अपना नया नक्शा जारी कर दिया जिसमें ये तीनों क्षेत्र उसके अंतर्गत दिखाए गए। इस नक्शे को जब देश की संसद में पारित कराने के लिए संविधान में संशोधन की बात आई तो सभी पार्टियां एक साथ नजर आईं। इस दौरान पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत को लेकर सख्त रवैया अपनाए रखा। हालांकि नए नक्शे में भारत के इलाकों पर अपना अधिकार जताने के बाद अब नेपाल बातचीत के लिए तैयार है। उसने भारत से कहा है कि वो विदेश सचिवों के बीच वर्चुअल मीटिंग को भी तैयार है। एक डिप्लोमेटिक नोट में नेपाल सरकार कहती है कि विदेश सचिव आमने सामने या वर्चुअल मीटिंग में कालापानी, लिपुलेख और लिंपिया धुरा के मसले पर बात कर सकते हैं। लिपुलेख में क्या कर रहा है भारत? लिपुलेख दर्रा भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। भारत ने चीन की चालबाजियों को देखते हुए यहां तैयारियां शुरू की थीं। अब 17,000 फुट की ऊंचाई पर लिपुलेख दर्रा आसानी से उत्तराखंड के धारचूला से जुड़ जाएगा। इसके बाद भारतीय चौकियों तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। इस सड़क की लंबाई 80 किलोमीटर है। मानसरोवर लिपुलेख दर्रे से करीब 90 किलोमीटर दूर है। पहले वहां पहुंचने में 3 हफ्ते का समय लगता था, अब कैलाश मानसरोवर जाने में सिर्फ 7 दिन लगेंगे। बूंदी से आगे तक 51 किलोमीटर लंबा और तवा घाट से लेकर लखनपुर तक का 23 किलोमीटर का हिस्सा बहुत पहले से निर्मित हो चुका था, लेकिन लखनपुर और बूंदी के बीच का हिस्सा बहुत कठिन था और उस चुनौती को पूरा करने में काफी समय लग गया। इस रोड के चालू होने के बाद भारतीय थल सेना के लिए रसद और युद्ध सामग्री चीन की सीमा तक पहुंचाना आसान हो गया है। लद्दाख के पास ऑक्साई चीन से सटी सीमा पर अक्सर चीनी सैनिक घुसपैठ करते हैं, जहां अभी भी तनाव बना हुआ है। लिहाजा लिंक रोड के बनने से लिपुलेख और कालापानी के इलाके में भारत सामरिक तौर पर भारी पड़ सकता है। 2 साल पहले चीनी सेना ने पिथौरागढ़ के बाराहोती में घुसपैठ की कोशिश की थी। इस लिंक रोड के बनने के बाद चीनी सेना ऐसे गुस्ताखी नहीं कर पाएगी। भारत के साथ दोस्ती के बावजूद हाल के दिनों में नेपाल और चीन करीब आए हैं।
ऐसी स्थिति में काला पानी पर मजबूत पकड़ भारत के लिए और जरूरी है। यहां सीमावर्ती गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है।